स्टूडेंट्स, हम थर्ड चैप्टर ऑफ साइंस स्टार्ट कर रहे हैं, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ओके, चलो एक एग्जांपल लेते हैं और डिफरेंस समझते हैं बिटवीन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। से CH4 मीथेन मॉलिक्यूल। ओके, से वी टेक एन एग्जांपल ऑफ CH4 मीथेन मॉलिक्यूल। ओके, इन दिस वन ऑफ द एटम इज कार्बन एंड अनदर एटम इज ऑफ हाइड्रोजन। ओके, तो ऐसे कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स हैं? ऐसे अराउंड 118 टाइप ऑफ डिफरेंट एटम्स हैं जो कि पीरियोडिक टेबल में लिस्टेड है। ओके, पीरियोडिक टेबल आपका के बुक में आगे दिया होगा, या एक नेट पे सर्च करोगे पीरियोडिक टेबल, यू विल गेट द एंटायर चार्ट। ओके, सो उसमें जितने भी एलिमेंट लिस्टेड हैं, हाँ, दोस आर एटम्स मॉलिक्यूल। ओके, और ऐसे एटम से मिलके बनते हैं मॉलिक्यूल्स। ओके, सो ये आइडिया देखिए, स्टार्टिंग हमेशा से तो नहीं था, तो इनिशियली कैसे ये डेवलप हुआ आइडिया ये समझते हैं। फर्स्ट अराउंड 500 BC इंडियन फिलोसोफर्स का है, महर्षि कनद। ओके, जिन्होंने पहले बोला डिवाइडिंग मैटर, जो कोई भी मैटर हम जैसे धूप में जिसे देख पाते हैं मैटर, ठीक है, उसे पदार्थ बोला। एंड देन ही फर्दर सेड दीज आर इंडिविजिबल, फर्दर डिविजन इज नॉट पॉसिबल। ओके, एंड दैट स्मॉलेस्ट यूनिट विच कैन नॉट बी डिवाइडेड इज परमाणु। ओके, और ऐसे और भी इंडियन फिलोसोफर्स आए जिन्होंने कंसेप्ट दिया। एंड देन आप देखोगे कि इंडिपेंडेंटली ग्रीक में भी डेवलप हुआ कंसेप्ट ऑफ एटम, ग्रीक फिलोसोफर्स ने, ठीक है। अब ये फिलोसोफर्स बोल रहे हैं, ना कि साइंटिस्ट बोल रहे हैं, यानी कि इट इज़ जस्ट ए थॉट बेस्ड ऑन रीजन, ठीक है, कोई एक्सपेरिमेंटल बेसिस नहीं था उस टाइम। तो ग्रीक फिलोसोफर्स ने नेम किया इंडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स, ठीक है। तो उन्होंने बोला मैटर्स, मैटर आर मेड अप ऑफ, बोला कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो डिवाइड नहीं होता उसे हम एटम बोलेंगे। ओके, एंड देन फर्दर डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ, जो हम प्रेजेंट टाइम में कंसेप्ट ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड्स जानते हैं, वो सारा डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ फ्रॉम एंड ऑफ 18th सेंचुरी। एंड ऑफ 18th सेंचुरी मतलब 1700 के एंड में, 1750 के बाद से ही स्टार्ट हुआ। ओके, सो एंड नाउ बेस्ड ऑन दिस डेवलपमेंट वी हैव सम इम्पॉर्टेंट लॉज। ओके, जिसमें फर्स्ट लॉ हम पढ़ेंगे मास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ओके, ये आप देख सकते हो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। तो ये एक्चुअली क्या है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? सो इट इज ऑन द लॉ स्टेट्स हियर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन, ठीक है, आप ये स्पेसिफिकली लिख के रखोगे। सो इन ए केमिकल रिएक्शन टोटल मास बिफोर रिएक्शन इक्वल्स टू टोटल मास आफ्टर रिएक्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट लॉ इज अबाउट लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रपोर्शन। ओके, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रपोर्शन क्या है ये लॉ? दिस लॉ देखिए, पहले समझ लेते हैं। इन ए कंपाउंड लाइक वाटर, रेशो ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन टू मास ऑफ ऑक्सीजन, रेशो निकाल रहे हैं किसका, मास ऑफ हाइड्रोजन टू मास ऑफ ऑक्सीजन इज ऑलवेज 1:8। पहले इस रेशो को समझ लेते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है। वाटर कितना होता है? H2O, करेक्ट। सो हाइड्रोजन का वेट इज 1, बट यहाँ पे 2 प्रेजेंट है एटम्स, सो टोटल मास इज 2। ऑक्सीजन का वेट इज 16, सो टोटल बिकम्स
18 ग्राम्स करेक्ट. नाउ वेट ऑफ इट इज रेशियो ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन टू मास ऑफ ऑक्सीजन करेक्ट इन वाटर मॉलिक्यूल. सो द रेशियो कम्स आउट टू बी 1/8 करेक्ट 1/8 ठीक है. दिस इज वॉट द लॉ इज सेइंग. लॉ क्या बोल रहा है कि रेशियो ऑफ द मास इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट एंड इट विल ऑलवेज 1:8. चाहे हम 5 ग्राम वाटर लें 5 लीटर या 500 लीटर्स ठीक है. जो वेट ऑफ हाइड्रोजन है एक मॉलिक्यूल में जो वेट ऑफ ऑक्सीजन है वो हमेशा ही रहेगा. एंड दिस हैपेंस फॉर एवरी कंपाउंड नॉट जस्ट फॉर वाटर. कोई भी कंपाउंड ले लो सिमिलरली इन अमोनिया ठीक है नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन. सो जब हमने डेवलप ऐसा ऑब्जर्व किया तो व्हाट वी से इन ए केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रपोर्शन बाय मास. मार्क द वर्ड बाय मास. ओके ये वर्ड इंपॉर्टेंट है. ओके सो ध्यान रखना है स्टेटमेंट लिखना है इसको लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रपोर्शन डेफिनेट प्रपोर्शन ठीक. इन ए केमिकल सब्सटेंस इन ए केमिकल सब्सटेंस ओके इन ए केमिकल सब्सटेंस एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रपोर्शन बाय मास. ओके सो नाउ फर्दर स्टडीज हुई एंड जॉन डेल्टन इज अनदर साइंटिस्ट हु हैज ऑलमोस्ट कंपाइल्ड द इंफॉर्मेशन दैट हैड बीन डेवलप्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. ओके जॉन डेल्टन ने क्या है वो सारा और गिव एंड पोस्टुलेटेड थियरी. ओके सो व्हाट डज हिज थियरी सेज ऑल मैटर्स आर मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स. ओके सो ऑल मैटर जो भी मैटर हमें देखने में आ रहा है फ्रॉम फर्नीचर टू लाइट बल्ब टू विंडो ग्लास टू एनीथिंग आर मेड अप ऑफ एटम्स विच पार्टिसिपेट्स इन केमिकल रिएक्शन. तो केमिकल रिएक्शन में कौन पार्टिसिपेट करता है एटम्स आर टेकिंग पार्टिसिपेशन. ओके सेकेंड पॉइंट एटम्स आर इंडिविजिबल पार्टिकल्स. ओके एंड इट कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन. ठीक है इसे केमिकल रिएक्शन में हम बना नहीं सकते और डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते. थर्ड पॉइंट एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन ए मास ऑफ ए केमिकल रिएक्शन. ठीक है वॉट डज दिस मीन एटम ऑफ ए गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल यानी कि एक हाइड्रोजन का एटम लिया तो पूरा जितनी गैस हमने ली है सब में हाइड्रोजन के एटम्स विल बी आइडेंटिकल इन नेचर. सारे पार्टिकल सारे एटम्स एक जैसे ही होंगे. ओके नाउ फोर्थ पॉइंट इज एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज बट डेफिनेटली हमने लास्ट में देखा कि हाइड्रोजन हैज टू हाइड्रोजन हैज वेट ऑफ 1 ऑक्सीजन हैज वेट ऑफ 16. ओके एटम कंबाइन इन ए रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म ए कंपाउंड सेम दिस लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रपोर्शन. ओके एंड रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स आर कॉन्स्टेंट इन ए गिवन कंपाउंड. ठीक है जैसे कि नाइदर मास क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय उसी तरह पार्टिकल्स इन ए केमिकल रिएक्शन वो कहीं से क्रिएट नहीं हो रहे हैं डिस्ट्रॉय नहीं हो रहे जितने थे पार्टिकल्स उतने ही होंगे जितने एटम थे उतने ही प्रोडक्ट साइड में भी होंगे. ओके सो पांचों पॉइंट्स पढ़ना आराम से एंड इफ एनी डाउट लेट अस नो. ओके चलो थैंक यू.